पे क्या है, इट्स अ गुरुद्वारा साहिब। तो ये वो गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा साहिब है जो यहाँ पे दुबई में यहाँ के शेख ने ओपनिंग की है, और उन्होंने खुद यहाँ पे सारे शेख्स ने आके खुद भी लंगर चखा है सब सरदारों के साथ, सब हमारी कम्युनिटी के साथ। तो सब इस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और ये गुरुद्वारा आई थिंक अभी अराउंड एक साल से ज्यादा टाइम से ज्यादा यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। आज फ्राइडे नहीं है, अगर फ्राइडे होता तो आपको गुरुद्वारे के आसपास में अराउंड आई थिंक 5 से 10 हजार यहाँ पे पंजाबी लड़के लड़कियां और हमारे जो पूरे यू नो दादे दादियां और सब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे होते हैं यूजली गुरुद्वारा साहब में। तो एनीवे अभी अंदर जाऊंगी मैं, तो अंदर जाते एक दुपट्टा मिलेगा दुदा नाल कवर माई सेल्फ बिकॉज मेरे कपड़े थोड़े अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन मेरा मन किया फिर भी आते हुए दुबई में कि मैं एक गुरुद्वारा साहिब का चक्कर लगाऊं। तो चलिए साथ में चलते हैं। मैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर जा रही हूँ और कोशिश यही रहेगी कि मैं किसी को ऑफेंड ना करूं, बिल्कुल भी कुछ ऐसा ना करूं जिससे सिक्योरिटी वालों को या किसी को भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आए। तो हम अंदर चलने की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे और देखते हैं अगर कोई हमें रोकेगा, जो कि आई डोंट नो कैसा ये लोग रिप्लाई करते हैं, बट आई विल ट्राई टू बी वेरी केयरफुल। सत श्री अकाल। एक गुरुद्वारा साहिब दी एंट्रेंस है और ये यहाँ पे दुपट्टे प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अभी मैं सिर ढक के नहीं आई हूं तो यहाँ पे दुपट्टे दिए जाते हैं जो आप सिर पे ले सकते हैं। ये यहाँ पे शूज उतारने की जगह है जहाँ पे आप अपने शूज सबमिट कर सकते हैं, तो मैं अपने शूज उतारने लगी हूँ। यहाँ पे आके चप्पलें उतारने के बाद आप अपने हाथ वगैरह धो सकते हैं और ये डेफिनेटली वॉशरूम्स वगैरह भी अंदर ऑर्गेनाइज करे गए हैं अगर किसी ने भी अपना मुंह हाथ भी धोना हो। तो ये चप्पलें यहाँ पे सबमिट करने के लिए, क्योंकि आज रश नहीं है तो मैंने यहाँ नीचे ही चप्पल छोड़ दी है। चप्पल उतारने तो बाद के बाद मैंने ये दुपट्टा यहाँ से लिया है और अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये लंगर हॉल है, यहाँ पे शाम को सवेरे दोपहर में लंगर बताया जाता है और लोग जो नीचे बैठ के खाना चाहते हैं वो नीचे बैठ के खा सकते हैं, नहीं तो डाइनिंग टेबल्स भी प्रोवाइडेड है ऑन द साइड। और गुरुद्वारा जो है वो ऊपर की तरफ है, तो मैं आप सबको गुरुद्वारे ऊपर लेके जा रही हूँ गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ। लिफ्ट भी प्रोवाइड की गई है, जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते वो लिफ्ट से भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में यहाँ पे पब्लिश किया जाता है हर चीज के बारे में। यहाँ जो सत्संग हो चुके हैं तो अभी मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ। ऑफकोर्स पार्ट हो रहा है तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ, तो मैं जरूर दिखाऊंगी। मैं इस वक्त खड़ी हूँ मेडिटेशन रूम में, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नहीं है तो इसलिए मैं बात कर पा रही हूँ। अगर किसी ने सत्संग से परे अपना पाठ करना हो बैठ के, तो ये मेडिटेशन रूम के अंदर बैठ के आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो ये कुर्सियां भी प्रोवाइडेड हैं जिस पे आप बैठ के पाठ कर सकते हैं।
इधर से ही बाहर निकल के बिल्कुल सामने पाठ हो रहा है और सारी संगत बैठ के पाठ सुन रही है। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत नय ताके काल निकट रहते है रचा हुए नहि सब काला दुष्ट खारिश करे तत्काला कृपा। गुरुद्वारा साहिब में मैंने मत्था टेक लिया है और अभी ही नीचे लंगर घर है तो मैं वहां जा रही हूँ अभी आपको लेकर और कोशिश रहेगी कि आपको दर्शन करा दूं क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को बुरा लगे क्योंकि कई जगह पे फोटोग्राफी जो है अलाउड नहीं होती बट स्टिल ये यहाँ का लंगर हॉल है। पीछे जो है फूड की सर्विंग होती है रात को और जैसे हम प्रसाद बोलते हैं और जो संगत नीचे नहीं बैठ सकती है उनके लिए यहाँ पे देखिए डाइनिंग टेबल्स का भी प्रबंध किया गया है डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के भी खा सकते हैं। ए सी साड़ी विजिट या मैं कहूँ हिंदी में कि ये थी हमारी विजिट एक गुरुद्वारा साहिब में और उन सब माँ बाप के लिए ये एक लेसन था जिनको लगता है कि यहाँ पे सब कल्चर्स का रिस्पेक्ट नहीं है। सो दिस इज यू नो अप्रूव। सो गुरुद्वारा साहिब अभी रात के टाइम क्योंकि हम शाम को आए थे तो अभी रात हो गई है तो दिस इज हाउ द गुरुद्वारा साहिब लुक। और अगली बार अगर आपका चक्कर लगे यूएई में कभी भी दुबई की तरफ तो इस गुरुद्वारा साहिब को जरूर आप आके देखिए और यहाँ का लंगर चखिए। बाय फॉर नाउ।